हृदय पर रखिए, इसमें हृदय में जो धड़कन है ये हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का एक अंश है। बाबू प्लीज सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ रखिए और राइट हैंड को हृदय पर रखिए और यहाँ पे बोलिए, माँ मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई नफरत नहीं, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं पूर्णतया एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पूर्णतया एक शुद्ध आत्मा हूँ। इसके बाद इस हाथ को माथे पर रखिए, राइट हैंड को, और माथे को हल्का सा दबा लीजिए। चलिए क्लियर कर लो, कर लो, सैद्धांतिक रूप में कर लो, फिर बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे बोलना नहीं, बोलना नहीं। लेफ्ट हैंड को फोटो की तरफ ऐसे रखिए और राइट हैंड को माथे पे रख के बोलिए, माँ मैंने सबको हृदय से क्षमा कर दिया, जिसने भी मुझे सताया या दुखी किया है, जिसने भी मुझे सताया या दुखी किया है, या मेरे साथ विश्वासघात किया, या मेरे साथ विश्वासघात किया है, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, मैंने उसे हृदय से क्षमा कर दिया, और मैंने अपने गुरुजनों को भी क्षमा कर दिया। क्योंकि भाई हमें डांटते हैं तो उनको भी, उन्हें सबसे पहले क्षमा करना है, क्योंकि अदरवाइज हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होएगा। तो श्री माता जी हमने अपने सभी गुरुजनों को क्षमा कर दिया, श्री माता जी हमने सभी गुरुजनों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, इसलिए हम उन्हें प्रणाम करते हैं, और हमने स्वयं को भी क्षमा कर दिया। इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के बैक साइड में रखिए, आकाश की तरफ देखिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, आकाश की तरफ देखिए और यहाँ पर विनती करेंगे, हे परमात्मा, अगर हमने आपकी शान के खिलाफ जाने अनजाने में कोई गलती की हो, कोई गलती की हो, या हमसे किसी का अहित हो गया हो, या हमसे किसी का अहित हो गया हो, अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो आप कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, तो आप क्षमा कर दीजिए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, हमारे जीवन की रक्षा कीजिए, और हमें मोक्ष प्रदान कीजिए, हमें मोक्ष प्रदान कीजिए, हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें मृत्यु नहीं चाहिए। इसके बाद इस राइट हैंड को सिर के तालु भक्त रखिए, हथेली का ये वाला मध्य हिस्सा ब्रह्मरंध्र पर यहाँ पे रखिए और आंखें बंद करके माता हल्का झुका के ऐसे गोल गोल इसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे और यहाँ पर विनती करेंगे, माँ हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, हमारे मोक्ष के द्वार को खोल दीजिए, और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए, और हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दीजिए, हमें इस मानव जीवन की दुखों से मुक्त कर दीजिए, हमें इस मानव जीवन की हमारी सारी बीमारियां समाप्त कर दीजिए, हमारी सारी बीमारियां समाप्त कर दीजिए, हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। इसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएंगे 7 times धीरे धीरे, 7 chakras में से शक्ति मूलाधार से उठ करके सहस्रार पे आएगी, धीरे धीरे आंखें बंद करके धीरे धीरे अपने भीतर देखिए, इधर उधर बातें नहीं करनी है, मौन धारण कीजिए, धीरे धीरे शक्ति को बाहर आने दीजिए, और अब दोनों हाथ खोल करके फोटो को देखिए। अब ये आपकी ध्यान की पहली अवस्था, अब आपका चित्त एकदम निर्विचार और निर्विकार, आपका चित्त स्थिर है, और जो योग का पहला परिभाषा है ना, योग चित्त वृत्ति निरोध है, आप देख लीजिए। इस फोटो के अलावा आपको संसार में कुछ नहीं दिख रहा, आपके हाथों में चैतन्य आना शुरू हो गया, हाथ खोल लीजिए। अब जो जो चक्र आपके स्वस्थ हैं उन उंगलियों में प्रकाश की ये जो लाइट है वो तीव्रता से आ रही होगी, और जो जो चक्र आपके खराब हैं उन उंगलियों में वाइब्रेशन का फ्लो कम होगा। बोलना सर, चमक आ रही है, कैसा लग रहा है, ठंडक आ रही है सबको? यस सर। आप सिर के ऊपर हाथ रखिए ऐसे 2 inches ऊपर, और सिर में से भी ठंडी हवा आ रही है, 2 inches ऊपर रखिए बालों से, 2 inches ऐसे एकदम बिल्कुल बारीक सा ठंडा वो लगेगा आपको, जैसे शिव की गंगा है ऐसे। अब ये जो भगवान शिव के चित्र में से गंगा इसमें से निकल रही है ना, अब आपके सिर में से भी गंगा की धारा आ गई, देखिए आपका तीसरा नेत्र खुल गया है और ये वाइब्रेशन आपको यहाँ फील हो रहा है, आपकी आत्मा शरीर से बाहर आ गई और आप जीवित हैं।
और दोनों हाथ आकाश की तरफ करके पूछिए, श्री माता जी क्या यही वह परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है जो सृष्टि के कंकण में व्याप्त है और जीवन का आधार है। अब दोनों हाथ नीचे करें और देखिए ये जो शक्ति है भाव उसमें ज्यादा आ रही है, ये जो शक्ति अपने मुख बराबर हो जाएगा, धीरे धीरे बैठोगे ना ज्यादा तब बराबर होता जाएगा। अभी शरीर में तरह तरह के वो है ना विकार, पीछे कमर में दर्द, धीरे धीरे निकलेंगे ना आपके बाहर, वो दर्द भी सही होगा आपका। ये जो वाइब्रेशन है ना यही आपके दर्द को भी सही करेंगे। पहले नहीं होता था, रख देते हाथ हो जाता था। अच्छा ऐसे ही लगा हुआ, एक दो करवाने आते थे। ठीक है, अब देखिए ये जो श्री माता जी कई बार चमत्कार करेंगी, कई बार क्या होगा कि फोटो में से वाइब्रेशन का फ्लो बहुत तेज आएगा, और तेज आएगा तो या तो वाइब्रेशन पृथ्वी में दे देना या अपनी काया में जहाँ जहाँ पे तकलीफ है वहाँ वहाँ पे इस शक्ति की मालिश कर, रक्त संचार जहाँ जहाँ पे अवरुद्ध है बॉडी में है ना वहाँ वहाँ पे इस शक्ति की मसाज कर। तो आपको अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, हॉस्पिटल कहाँ है हमें नहीं पता भैया कहाँ है, ये बैठे हैं डॉक्टर साहब के पास, ये फोकट में मिल रहे हैं, बट बहुत कीमती है, उत्तम कीमती है। अगर आपने गलत बोल दिया, उसका पैर टूट जाए, उसके पेट में दर्द हो जाए, नो, फिर वो आपके हो जाएगा, उसके नहीं होगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आपको अब आप बोलिए, श्री माता जी कृपया हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। श्री माता जी कृपया हमारे विचारों को पवित्र कर दीजिए। हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए। हमारी बुद्धि को पवित्र कर दीजिए। हमारी आत्मा को आलोकित कर दीजिए। हमारी आत्मा को आलोकित कर दीजिए। शरीर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। हमारे शरीर के बंधनों से पूरी तरह मुक्त कर दीजिए। हमारे दुख दर्द संताप समाप्त कर दीजिए। हमारे दुख दर्द संताप समाप्त कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या और ज्ञान दीजिए। हमें शुद्ध विद्या और ज्ञान दीजिए। और अध्ययन के प्रति हमारी अभिरुचि जागृत कर दीजिए। ठीक है सर, अब ये शक्ति धीरे धीरे, ये देखिए मूलाधार से यहाँ पे कुंडली माता बैठी है, ये धीरे धीरे मध्यवराड़ी से इधर से निकलते हुए आपके सिर में से, जब आप सो रहे होंगे तो हो सकता है सिर में से चिड़िया उड़ जाए, जब सोते समय भी एकदम ऐसे सिर में से और ठंडी हवा तक होगा, 7 दिन में भी आ सकता है, वैसे ये कन्या है तो पवित्र है, इनके 3-4 दिन में ही शक्ति का झोंका ऊपर आ जाएगा, और जैसे चिड़िया उड़ती है ना पिंजरे में से, ऐसे आपको एक ऐसा एहसास होगा, इतना दिव्य और इतना सुखद वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। यस, नहीं सब कुछ निराकार में होगा, आपको अनुभूति होगी, सब कुछ अनुभूति होगी, और ये फोटो अब रूप बदलना शुरू करेगी। अब पूछिए, श्री माता जी कृपया हमें अपना दैविक रूप दिखाओ, श्री माता जी ताकि हम ये यकीन कर सके आप सचमुच में दैविक शक्ति हैं। अब देखिए आप अब जब घर जाएंगे, अभी सारी चीजें हम नहीं बोल सकते यहाँ पे, आपको इनको हनुमान जी चाहिए, इनको दुर्गा चाहिए, इनको मोहम्मद साहब चाहिए, उनको ईसा मसीह चाहिए, उनको गुरु नानक चाहिए, जो अवतार धरती पर आए हैं इससे पहले, राम कृष्ण दुर्गा हनुमान जी ओके, मोहम्मद साहब, हजरत अली साहब, फातिमा जी ओके। तो इस्लामिक कन्याएं कितने हाथ ऊपर करें, इस्लामिक कन्याएं हैं, वेरी गुड, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ओके। वो जो आयत है, कोई सी भी कुरान की आयत पढ़ो और श्री माता जी फटाफट शक्ति देना शुरू करेंगे, उस शक्ति को फिर अपने मुखमंडल पर ऐसे बनाओ, किसी को महसूस मत कराना, देखो हमारे हाथ में पावर आ गई, उस पावर को अभी अपने पास रखिए, क्योंकि अदरवाइज तो अभी हमने आपको कवच भी नहीं बताया, ये जो कवच है हम लेके देखो जरा एक बार, ऐसे ही ले लो जैसे मैं कर रहा हूँ, बाद में अगली क्लास में हम आपको इसका अभिप्राय समझाएंगे। ये तीनों शक्तियों को हम मूल आधार से सहकार को बांध रहे हैं और दैविक शक्ति से हम अपनी काया को सुरक्षित कर रहे हैं। ये कवच आपको ध्यान करने से पहले और ध्यान समाप्ति के बाद ये कवच लेकर ही विद्यालय आने से पहले आप ये कवच लेकर निकलेंगे और रात को सोते समय कवच लेकर सो जाएंगे। सुबह आप उठेंगे तब आप सुबह आप देखिएगा, 5 मिनट बस फोटो को देख लीजिएगा, माँ हमें शक्ति दो, हमारे सारे संताप दूर करो और आज के दिन के सारे कार्यक्रम हमें ठीक कर दो। ठीक है सर,
शिव माताएं दैविक रूप में आएंगी, आपको सपने में भी आ सकती है, सफ़ेद साड़ी पहन के आ सकती है, किसी भी रूप में आ सकती है, और ये आपके साथ साथ चल पड़ेगी। तो आपको ये अथॉरिटी है, आपको ये अथॉरिटी है कि आप शिव माताएं से अपनी सारी पीड़ा बता सकती हैं और वो पीड़ाओं का समाधान एकदम से समाधान।